नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है जहां रायसेन में पर्यटन स्थल महादेव पानी के पास हादसा हुआ है। 3 बच्चे बह गए हैं, 2 को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू बंद कर दिया। तेज बारिश और अंधेरी की वजह से रेस्क्यू रोका गया। नाबालिग की तलाश अब सुबह करेगी टीम। भोपाल से महादेव पानी घूमने आए थे 3। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायसेन से, जहां पर्यटक स्थल महादेव पानी के पास हादसा हो गया। भोपाल से आए 3 बच्चे बहे हैं, 2 को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ ने हालांकि रेस्क्यू बंद कर दिया क्योंकि तेज बारिश वहां पर हो रही है और काफी अंधेरा भी, जिस वजह से रेस्क्यू को रोका गया है। अब एक नाबालिग की तलाश सुबह करेगी रेस्क्यू टीम। भोपाल से महादेव पानी घूमने के लिए 3 आए थे जो कि हादसे का शिकार, हालांकि 2 को बचा लिया गया है। 2 का रेस्क्यू कर लिया गया लेकिन 1 की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि रेस्क्यू को रोक दिया गया है क्योंकि तेज बारिश वहां पर हो रही है और काफी अंधेरा भी है। तो रायसेन में हादसा हुआ जहां महादेव पानी के पास ये हादसा हुआ है। पर्यटक स्थल महादेव पानी के पास हादसा हुआ। 3 बच्चे बह गए थे, हालांकि 2 को बचा लिया गया है। 2 का रेस्क्यू कर लिया गया लेकिन 1 की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, उसने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है क्योंकि तेज बारिश वहां पर हो रही है और काफी अंधेरा भी वहां पर हो चुका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू कर पाना अब भी मुमकिन नहीं, संभव नहीं। कहां से आए और कैसे ये हादसा हुआ? हम वहाँ इटखेड़ी छाप से आए। हम 3 दोस्त आए थे तो हम पानी का बहाव ना होने से पहले हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो एकदम से बहाव आया तो मेरा दोस्त वहाँ पे बह गया। मैंने वो पकड़ के रखा था पेड़, तो मेरा दोस्त तो बह गया, हम 2 भैया बच गए बोर में। इटखेड़ी छाप का रहने वाला हूँ मैं, वो मेरे साथ आया था। हम यहाँ पे नहा रहे थे, एकदम पानी का बहाव तेज हुआ, हम 3 बह गए। उसमें वो हमारे साथ नहीं रहा, मतलब बह गया वो उसके बाद हमें मिला नहीं। जी सर, वो 14-15 साल का है। एक बच्चे की जानकारी मिली थी जो मिसिंग है, उसके लिए SDRF की टीम है, हमारा पूरा प्रशासन है और सारी चीज़ें हम लोग जो आवश्यक मेजर्स होते हैं वो लिए जा रहे हैं और शीघ्र हम उसको ढूंढ लेंगे। सर, जो चीज़ें निकल कर आई कि 2 गाड़ियां भी अभी मिली है, वो उसका क्या है, क्या वो लोग भी लापता है? वो अन्य लोगों की थी, उन्होंने गाड़ियां अपनी ले ली हैं। तो सुना आपने किस तरीके से पानी का बहाव तेज हुआ, पानी का लेवल जलस्तर बढ़ गया अचानक से और वहां पर 3 बह जाते हैं। हालांकि 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है लेकिन 1 की तलाश अभी भी जारी है। SDRF की टीम ने रेस्क्यू हालांकि रोक दिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है SDRF की टीम ने अभी। बिल्कुल सुमित, देखिए इस तरीके की जो घटना है वो अक्सर बारिश के मौसम में सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं और ये पहली दफा नहीं है जब महादेव पानी जैसे या जो बांध है या जो इस तरीके के टूरिस्ट स्पॉट और खासतौर पर मानसून के समय जो डेवलप हो जाते हैं, पहाड़ों से झरने बन जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के जरूर ये दर्शन आपको कराते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक होते हैं। और पहली बार ऐसी घटना दुर्घटना नहीं हुई है, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और एक बार फिर महादेव पानी में एक बड़ी घटना सामने आई है जहां पर एक व्यक्ति, एक बच्चा जो है वो अभी भी मिसिंग है, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा था। हालांकि वहां पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं, पूरी तरह से अंधेरा वहां पर हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है। NDRF और SDRF की टीम्स ने जरूर वहां पर कोशिश की थी लेकिन एक लंबे ऑपरेशन के बाद भी जो बच्चा है उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तो अब एक बार फिर से कल सुबह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से वहां पर शुरू किया जाएगा, चलाया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि
कि 3 लोग के बहने की सूचना मिली थी, जिसमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है। बड़ी संख्या में महादेव पानी पर्यटन स्थल जो है वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, और जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त भी वहां पर कई सारे लोग जो थे वो मौजूद थे, लेकिन शासन प्रशासन ने फिर भी वहां पर मुस्तैदी दिखाई और लोगों को वहां से दूर किया, हटाया गया, जिसके चलते ज्यादा जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन अब भी जो चिंता की स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि एक व्यक्ति अब भी इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो लापता बताया जा रहा है। शासन प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश दी जाती है कि ऐसी जगहों पर ना जाएं, अगर ऐसी जगहों पर आप जाते हैं तो बेहद सावधानी रखें, गहरे पानी की तरफ ना जाएं, क्योंकि भारी बारिश के चलते, पानी के चलते जो ये ऐसे स्थान होते हैं वहां पर काफी ज्यादा चिकनाहट बढ़ जाती है और पैर स्लिप होने कर गहरे पानी में जाने की जो घटना है, जो खतरा है, वो हमेशा बना रहता है। और कुछ इसी तरीके की ये पूरी घटना हुई है, जिसको लेकर अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जरूर वहां पर किया जा रहा है, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द एक जो व्यक्ति अभी भी लापता है उस तक पहुंचा जा सके और वह मिल जाए, क्योंकि वहां पर स्थितियां जो है काफी जो जंगलों से घिरा हुआ वो पूरा इलाका है, लाइट की वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन में थोड़ी सी देर जरूर हो रही है, जो दिक्कतें हैं वो जरूर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं, प्रार्थनाएं समेत कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। और इसके अलावा लगातार लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसी जगहों पर जाने से बचें जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, और इसका जो भरपाई है आपका पूरा परिवार आजीवन कहीं ना कहीं करता है, और पहली दफा ये घटनाएं नहीं हुई, इसके पहले भी कई तरह की घटनाएं जो सामने आती रहती हैं, और ना सिर्फ भोपाल से बल्कि देश भर से मानसून के दौरान जो इस तरीके की लापरवाही वाली घटना है वो सामने आती है। जी समझ, बिल्कुल ठीक बात है, लोगों की लापरवाही तो है ही वासु, लेकिन जब मानसूनी सीजन आता है तो ऐसे स्थानों पर, चाहे वो केरवा डैम हो, कलियासोत डैम हो, सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं ताकि लोग ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने से बचे, उन्हें रोका जा सके। लेकिन जहां ये हादसा हुआ वहां शायद सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे वासु। बिल्कुल समझिए, ये भी जांच का विषय है कि शासन प्रशासन की ओर से ऐसी जगहों पर क्या कुछ इंतजाम थे, और खासतौर पर अगर महादेव पानी की बात करें तो ये सर्वविदित है कि वहां पर एक सुंदर दृश्य जो है वो बारिश के मौसम में देखने को मिलता है, जो झरना है, जो वाटरफॉल है वो वहां पर शुरू हो जाता है, और बड़ी संख्या में वहां पर सैलानी जो है वो पहुंचने लगते हैं, पर्यटक जो है वो पहुंचने लगते हैं। तो इस स्थिति में क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी, अंदाजा नहीं था कि वहां पर इतने लोग पहुंच जाएंगे, सुरक्षा के वहां पर पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं थे, ये तमाम जो चीजें हैं ये वहां पर सवाल, एक जो बड़ा सवाल है वो खड़ा कर रहे हैं। और वहां पर अगर शासन प्रशासन की ओर से लोगों को समझाइश दी गई थी और लोग अगर नहीं मान रहे थे तो वहां पे सख्ती क्यों नहीं बरती गई, ये सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, और ये जांच का विषय है। और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि इस पूरे जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा तो उसके बाद इसको लेकर भी जांच की जाएगी कि वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए थे, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, बल्कि ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए प्रशासन को भी और आम लोगों को भी, कि ऐसी लापरवाही आप ना बरतें, आप जानबूझकर और जानते समझते हुए अपनी समझदारी का परिचय ना देकर ऐसी जगहों पर जाते हैं, रिस्क लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों के लिए जो जानलेवा साबित हो जाता है। तो इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए सर्वप्रथम यही जरूरी है, ये तो प्रशासन पर सवाल खड़े होते ही हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जाना ही क्यों जहां पर जान का खतरा है, ऐसा काम करना ही क्यों जो रिस्की हो। बहुत धन्यवाद वासु आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भिंड में 2 किशोरों के साथ मारपीट हो गई, 2 किशोरों के साथ जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो के सामने आने के बाद बवाल हो गया, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं सागर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, 6 लोगों की जान चली गई, 1 की हालत गंभीर है। कार में 7 लोग सवार थे, तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर हुई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार काफी ज्यादा थी वाहनों की, क्योंकि कार के पर खच्चे उड़ गए। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है,
इसमें एक ट्रक और एक फोर व्हीलर का आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें कि फोर व्हीलर में सवार कुल 7 लोग थे, जिनमें से 6 की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। ऑन द स्पॉट ही इसमें डेथ हुई है मोस्टली लोगों की। एक व्यक्ति जो है जो अभी इलाजरत हैं, उनका डॉक्टर्स भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जान बचाई जा सके। और यहाँ पर अभी जो परिवार के मृतकों के परिवार से संपर्क किया जा रहा है और आगे कार्रवाई कराई जा रही है। सर, घटना कैसे हुई, कुछ पता चला? घटना जो आमने सामने है, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है जो स्थानीय लोगों का है, जो प्रत्यक्षदर्शी एक दो हैं, उनसे समझ में आ रहा है कि काफ़ी तेज गति से आमने सामने से वाहन दोनों ही आ रहे थे और कुछ कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम रही होगी, जिसमें कि दोनों की ड्राइवर साइड से एक दूसरे को टच हुआ है, गति के कारण दोनों ही वाहनों में नुकसान हुआ है। सीधी से बड़ी खबर, जहां नहर में नहाने के दौरान हादसा हुआ। नहाने के दौरान दो युवक डूबे हैं। दोनों युवकों को तलाशने के लिए रेस्क्यू जारी है। 2 घंटे तक रेस्क्यू के बाद भी युवक नहीं मिले। कमरजी थाना क्षेत्र का मामला। सीधी से बड़ी खबर, नहर में नहाने के दौरान हादसा हो गया, 2 युवक बह गए। दोनों युवकों को तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काफी देर तक रेस्क्यू चलने के बाद भी युवक नहीं मिल पाए। कमरजी थाना क्षेत्र का यह मामला। तो सीधी सी खबर, जहां नहर में नहाने के दौरान हादसा हो गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक महिला समुद्र में डूब जाती है और बच्चे मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाते रह जाते हैं। वीडियो पिछले महीने का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि यह वीडियो बांद्रा का है। पिछले महीने जून में एक महिला जिसका नाम ज्योति सुनार है, समुद्र में आई लहर में बह गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। देखिए आप किस तरीके से महिला चट्टान पर बैठी रहती है, पीछे से लहर आती है और महिला को अपने साथ ले जाती है। सीहोर में बाघ के मूवमेंट से दहशत है। शाहगंज में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 46 पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला। सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों में दहशत फैल गई। कर्मचारियों ने मोबाइल में कैद किया है यह वीडियो। बाघ के घूमने का वीडियो सामने आया है। देखिए तस्वीरें, एक कर्मचारी ने अपने मोबाइल में वीडियो कैद किया। सीहोर में बाघ के मूवमेंट से दहशत है लोगों में। शाहगंज में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 46 पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला। सड़क के निर्माण में लगे कर्मचारियों ने इसका वीडियो बनाया है, जो अब काफी वायरल है। अब बात कुछ सियासी खबरों की। राजधानी भोपाल से खबर, जहां बीजेपी दफ्तर मंथन हुआ। आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक पर बोले हैं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, आज भी कई विषयों पर बैठक में चर्चा हुई है, आगे कैसे बढ़ना इस पर भी फैसला हुआ। संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। जनता पार्टी लगातार अपने संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों विषयों से संबंधित अपनी टीम के साथ बातचीत और चर्चा करती रहती है। आज भी कई घटकों की बैठक हुई है, उसमें चर्चा हुई है और आगे कैसे बढ़ना है इस पर भी निर्णय हुआ है। सर, ग्वालियर में प्रियंका गांधी आ रही है 21 तारीख को, कितनी चुनौती मानते हैं? प्रियंका गांधी कोई नया विषय नहीं है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता हैं, ये पहले भी थी, आज भी हैं, तो इसमें कोई चिंता की और आश्चर्य की क्या बात। इसी के साथ ही फिलहाल इस वर्ल्ड में खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।